हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी, जो कि प्रकाश के अपवर्तन में आज हमारा 5th लेक्चर है। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे मैंने माना मेरे पास एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस हम पढ़ चुके हैं कि जो किनारे पर पतले और बीच में मोटे होते हैं उन लेंसों को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। वैसे ही जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन लेंसों को अवतल लेंस कहा जाता है। अब इन्हीं लेंसों में हम इसकी चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है जो इसकी डिस्टेंसेज होती हैं, कि जैसे हम वस्तु को किसी लेंस से कितनी दूरी पर रख रहे हैं या उसकी जो इमेज बन रही है वो लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है, उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, किस प्रकार से लेना है, वो हम इसी से पता करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए, इसमें जो चिन्ह परिपाटी होती है वो बिल्कुल हमारे कार्तीय तल की तरह ही यूज होती है। जैसे कि कार्तीय तल क्या होता है, इस तरह से एक्स और वाई अक्ष होते हैं, यहाँ पर एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और बीच वाला जो पॉइंट होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, वही लेंसों में प्रकाशिक केंद्र की तरह यूज होता है। जैसे इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है और इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है, तो यहाँ पर जो मूल बिंदु है वो इनके लिए प्रकाशिक केंद्र की तरह ही कार्य करता है। एक चीज़ और होती है कि जो वस्तु रखी जाती है वो लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। हमेशा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा लेंस के, यानी कि यहाँ पर वस्तु हमेशा इधर को रखी जाती है। अब जब हम वस्तु इधर को रखेंगे, अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें जो कार्तीय तल होता है इसमें जो इधर की सारी डिस्टेंसेस ली जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, यानी कि धनात्मक ली जाती हैं। और अगर मैं लेफ्ट साइड में चलूं तो लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस या सारी लंबाइयाँ या सारी दूरियाँ हमेशा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ली जाती हैं। ये चीज़ हम नॉर्मली सभी को पता होता है, हम छोटी क्लासेस में इस चीज़ को पढ़कर आते हैं कि राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाती हैं और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती हैं। इसीलिए अब जब हम वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में यानी कि इधर, अब जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो जो वस्तु की लेंस से दूरी होगी उसको हमेशा कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सेम कंडीशन इस लेंस के लिए भी अप्लाई होती है, जो उत्तल लेंस के लिए अप्लाई होगी वही अवतल लेंस के लिए अप्लाई होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु होती है वो इसमें भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। इसीलिए लेंस की वस्तु से जो दूरी होती है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। कोई भी डिस्टेंस हो लेंस के, अगर इधर की साइड हम इधर यहाँ से अगर इधर को नाप रहे हैं उसको, तो वो हमेशा नेगेटिव ले जानी है। उसके बाद बात करते हैं हम राइट साइड की। अब जब हम कोई वस्तु इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो उसकी इमेज लेंसेज में हमेशा राइट साइड में बनेगी। जब हम किसी वस्तु को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उसकी इमेज राइट साइड में बनती है। उसके बाद वैसे ही सेम कंडीशन इस अवतल लेंस में भी अप्लाई होती है, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो उसकी इमेज जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। आई होप सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो अब जब उसकी इमेज राइट साइड में बनेगी तो हमेशा लेंस की प्रतिबिंब यानी कि इमेज से जो दूरी होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। यहाँ से अगर हम कोई भी डिस्टेंस अगर राइट साइड में मेज़र करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव और राइट साइड में जा रहे हैं तब पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक,
इसीलिए उत्तर लेंस जो होता है उसका प्रथम मुख्य फोकस यानी कि F1 हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। उसी जगह पर अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड में होता है। इसीलिए जो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस दूरी होगी वो यहाँ से नेगेटिव ली जाएगी और जो अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम ऊंचाई की कि ऊपर जाने पर क्या होगा और नीचे जाने पर क्या होगा। तो ऊपर जाने पर मान लीजिए मैंने इस लेंस के सामने ये एक अवतल लेंस है, मैंने ये पेन रख दिया, ये मार्कर रख दिया यहाँ पर। ठीक, अब इस मार्कर की कुछ लंबाई है, उसी लंबाई को अब जो लंबाई मैंने पेन रखा वो ऊपर को रखा है तो जो इसकी लेंथ थी वो ऊपर को जाएगी। तो इसी लंबाई को हम बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो वस्तु की लेंस से दूरी होती है उसको बोलते हैं हम U और जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होती है उसको बोलते हैं V। ये चीज़ हम दर्पणों में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा ऊपर की ओर होती है, इसीलिए वस्तु की ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लिया जाता है। और जो प्रतिबिंब बनता है, अगर प्रतिबिंब नीचे को बनेगा तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर ऊपर को बनेगा तब हम पॉजिटिव लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है उसमें जो ऊपर की दूरियां होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और जो नीचे की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। इसीलिए जो वस्तु की ऊंचाई होगी यानी कि इस मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी वस्तुएं, क्योंकि ये जो लाइन है वो लेंसों की मुख्य अक्ष की तरह कार्य करती है, तो मुख्य अक्ष यानी कि एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो वाई अक्ष है इससे राइट साइड की सारी डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेनी है। हमें बस चार चीज़ें याद रखनी है, उन चार चीज़ों के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना कि जो मूल बिंदु है उसके साथ जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसके राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस हमको पॉजिटिव लेनी है और इसी के लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस हमको नेगेटिव लेनी है। वैसे ही अब जो ये एक्स अक्ष आया है, इस एक्स अक्ष के ऊपर की सारी डिस्टेंसेस हमको प्लस में लेनी है और जो नीचे की सारी डिस्टेंसेस आएंगी वो हमको माइनस में लेनी है। बस ये फोर पॉइंट से हम किसी भी डिस्टेंस या किसी भी लंबाई का साइन बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।